मॉडल कैसा है? अरे आप कहाँ जा रही हैं? हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी दंजल। रात से मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं आजकल नींद आती नहीं है। 3 घंटे भी नहीं सोई हूँ मैं ढंग से। आई एम गोना डू डबल वर्कआउट्स, मैं सोच रही हूँ क्योंकि वेट गिराना है। इट्स इम्पॉर्टेंट, मेरे को लगता है कि मुझे थायराइड चेक करवा लेना चाहिए। सो लेट्स गो टू मीट आशिम मिधा, मैं उसके साथ शूट पर हूँ। एंड मैंने डिस्क्लोज पहले ही कर दिया, सो इट वॉज लाइक कहीं लव रुद्राक्ष तो नहीं, आशिम मिधा है। किसके साथ हो सकती हूँ मैं? हो सकता है मैंने डिस्क्लोज गलत कर रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। मैं आशिम मिधा के साथ जा रही हूँ, लव रुद्राक्ष के साथ जा रही हूँ शूट पर। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि दिल्ली में इतनी खूबसूरत जगह भी है मॉडल टाउन में। अब मॉडल टाउन से हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, ये लेक बहुत सही है। फिलहाल मैं गाड़ी से इसलिए नहीं उतर रही हूँ कि अंकल सफाई कर रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि मैं अभी अभी ना के आई हूँ यार। और कल बाल धोए रात को सोने से पहले, मिट्टी मिट्टी हो जाऊं। जगह बहुत खूबसूरत लग रही है उतरना है गाड़ी से। सो गाइस, ये मेरी गाड़ी की बहन है। ऑलमोस्ट मैं आशिफ से मिल चुकी हूँ। आशिफ अपनी फ्रेंड को, मतलब गर्लफ्रेंड को पिक करने गया ना, गरिमा। हाँ, आशिफ गर्लफ्रेंड को पिक करने गया। यार ये रही मेरी मैग्नाइट और ये रही इसकी, क्या नाम है आपका? गौतम की मैग्नाइट। गौतम ने तो पूरा, गौतम मैं यहाँ जाऊंगी जहाँ पे ये शिव जी है ना, ये तमिलनाडु में। इसको मन कर ले, कॉपरेट आ जाएगा। ये तमिलनाडु में पता है, आई विल गो हियर। क्या क्या करवा रखा है तुमने? सीट तो तुम्हें, वाओ लुक एट द सीट कवर गाइस, चेक करो इस लड़के के सीट कवर। सीट वाला तो तुम्हें बड़े से लगवाए मैं यार। तो ये भी लगाया हुआ है बट इसका गाइस इसमें बस टर्बो मॉडल नहीं है। सो तुम्हें पेट्रोल ही नहीं डलवाया बाबा? अभी जाना है ना कल पंजाब, तो फिर एवरेज के हिसाब से। अच्छा एवरेज के हिसाब से डलवाओगे। अच्छा अभी देख रहे हो कितना एवरेज दे, पता है ये सीरियसली इसमें भी बहुत अच्छी एवरेज देगी तुम्हें। ये खत्म में भी पूरी एवरेज देगी, बट इसमें एसी अच्छे से हवा नहीं देता इतने खत्म में, पता है? हाँ, वो तो। जैसे ये पेट्रोल इसका ना, तुम्हारे 300 पे बचेगा ना, इसका एसी मर जाता है। इसमें एक ये प्रॉब्लम है, तुमने लगवाया हुआ, मैंने भी लगवाया हुआ यार। मेरा किसी डिफरेंट काइंड का, तुम्हारा डिफरेंट काइंड का है, बट पापा ने तो पेस से अटैच कर दिया। मुझे क्या दिखा रहा था इसमें स्पेशल? हाँ बट कोई बात नहीं, 15 सेकंड में नहीं आता बेस ट्यूब का। सो गाइस इसने बेस ट्यूब सेट करी है इसमें, लेट्स जस्ट हियर द वॉल्यूम फिर सॉन्ग के साथ। यार इसने तो पूरा कालीन भी लगवा रखा। मैं चुरा लूँ तुम्हारी गाड़ी से? चोरी चोरी करना पड़ेगा गाइस, देखना ये चीटिंग हो गई। कोई कोई स्पॉन्सर ही कर दो। वो तो उन्होंने लाइट भी लगवा रखी है। आशिफ इज बैक। इसको मैंने कंग्रेचुलेट भी नहीं करा, मेरी गाड़ी का कोई टायर ऐसे खड़ा कर दे उसको तो मैं चिल्ला चिल्ला के ऐसे ऐसे मार दूँ। मैं कहती सीधा रखा करो, सीधा रखा करो, सीधा रखा करो। पता नहीं क्यों आदत है तुम्हारी भी, मेरी आदत है नहीं नहीं, सीधा चाहिए मुझको, पता नहीं क्यों आदत है। आगे ऐसे आशिफ, मैंने तो कंग्रेचुलेशन नहीं किया। और मैं गरिमा से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, वो बेचारी जानती भी नहीं होगी, और मैं उसको सिर्फ डांस वीडियोज देखती हूँ। हाय गरिमा, डांस वीडियोस बहुत प्यारी होती है यार आपकी। देखो मैंने इसलिए कंग्रेचुलेशन नहीं किया, देख उसने बोला, मैंने नहीं बोला कुछ भी। सो आज का हमारा फर्स्ट टेक ऑफ शूट चल रहा है एंड आशिफ उसको स्टार्ट कर रहा है। 3 2 1 अभी चल, अभी चल, मर्जी कर दे, नहीं है तुम्हारी वाली है मैग्नाइट। तो गाड़ी थोड़ी पीछे करने पड़ी, हुई रिक्शा वाले भैया खड़े हैं और शूट लेना है हमने इस गाड़ी के साथ। सही है ना यार, टोयोटा की बड़े बड़े टायर। अंकल जी ने हटाना जरा थोड़ी, वो कह रहा मैं शीशे से निकलने वाला हूँ आज। गौतम उसका शीशे से निकलने का प्लान। ये शूट के केसेस में ऐसा कुछ होता है यार, चेक करो। बेचारे भैया को भी हिला दिया उन्होंने। बस ठीक है,
बस बहुत जगा रहे अंकल जी को मिलाने की वैसे जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा पीछे, इतना भी पास नहीं कि रास्ता तो थोड़ा सा पीछे। ठीक है, मैं वहां से आऊंगा। ठीक है। अरे फिर तुम आ गए, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम फिर से बीच में। शूट में हमारे साथ BMW 2-seater, वो भी साशिब। आपने ये BMW कितनी बार ड्राइव करी है? हाँ मैंने कल रात को चलाई थी, मैं सो गया था ना सपने में। गरिमा यही आ रही थी सपने बस में। मैं तो रोज करती, तो रोज करती है ना, ये हुई ना बात, ये है लड़की हमारी लेकिन सपने में, लेकिन सपने में मैं सपने की कर रही हूँ बहन। ये ले यार BTS पकड़, शूट करना है। अच्छा सुनिए यार, ये BMW का बेस मॉडल है ना, मॉडिफाइड। ये देखो आशिफ ने अभी भी क्या बोला है। यार वैसे ना ऐसी लड़कियां ना इसी गाड़ी के लिए बनी है। बट मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे सच में थार चाहिए, प्रॉमिस कर दिया गाइस। ये गौतम मुझे थार में घुमाने वाला है, फाइनली आई एम वेटिंग। 400 तो बहन यार ले 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 ले, पीछे जाकर ले ले, पूछ मॉडल कैसा है भाई, कैसा चलता है, कैसी प्रोग्रेस देता है, क्यों बेचना है ये गाड़ी है। ये गाड़ी है, ये साक्षी, पर ये ज्यादा अच्छी है। ये एवरेज देगी 2 की, वो एवरेज देती है 17 की। Exactly. ये आपको पड़ेगी 40-50 लाख की, ये आपको पड़ेगी 9 लाख की। मॉडिफाई करवा के। ये 2-seater है, वहाँ 5 बंदे फैमिली आराम से चौड़े होके बैठ के जा सकते हो। डिसीजन इज योर्स गाइस। और ऊपर सामान भी रख के जाते हैं, पूरा घर बनाती हूँ गाड़ी को जब ट्रैवल करती हूँ। नाम क्या है आपका? गौरव। गौरव क्या क्या फीचर्स है इस गाड़ी में बता दो यार। गौरव कंफर्टेबल है, 2-seater है, स्पोर्ट्स मोड हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड भी हो जाता है, स्पोर्ट्स मोड भी। और ये कौन सा मॉडल है वैसे BMW का? 2015 मॉडल Z4। ओके Z4 G4 जी BMW। और किस किस रेट का अमाउंट है इस गाड़ी का? यार सही है। और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? अलग से एयरबैग वगैरह, बहुत सेफ्टी होती है, कितने भी भगा सकते हो, आपके हाथ में ही है। 1 घंटे में आप शिमला जा सकते हो, 247 की स्पीड। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मेरी गाड़ी ये थोड़ी वो है ना। सो शूट के बाद मैं पहुंची आंध्रा भवन खाना खाने के लिए। एंड यहाँ पे यकीन मानो कि 180 रुपीज़ की थाली है, एंड यू कैन एंजॉय एन नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फूड। जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ ये VIP एरिया है, और यहाँ पे VIP लोग बैठते हैं। उस तरफ जो है वो नॉर्मल एरिया है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक बैठती है, और सैटरडे संडे तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, वेटिंग होती है। हेलो, आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? ब्यूटीफुल फोटो, ब्यूटीफुल फोटो। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 94 से। तो ये फूड है गाइस आंध्रा भवन का, एंड दिस इज अ साउथ इंडियन फूड, तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे एक थाली कितनी कॉस्टिंग रहती है आपकी? यहाँ दिस इज 180। दिस इज वेरी मतलब अनलिमिटेड फूड है, राइस ही आएगा, दैट इज द डिफरेंस। वी आर आई वांट टू शूट फॉर द डेली व्लॉग ना। ये दाल है,
इज अ पेंडी करी, दिस इज कैरेट बीन्स, दिस इज मशरूम वेजिटेबल चटनी सर एक्चुअली यू नो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो आंध्र भवन सो यूल फाइंड दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स ऑल अराउंड इफ यू वांट टू परचेस एक्सक्यूज मी थैंक यू दैट्स अ बिल्डिंग ऑफ आंध्र भवन सो यू कैन एक्चुअली हम मेरी गाड़ी जो है ना वो VIP एरिया में पार्क है गाइस जस्ट बिकॉज ऑफ आई केम फॉर अ मीटिंग हियर इट फील्स लाइक यू नो जब गाड़ी एंटर होती थी ना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मतलब VIP लोगों की गाड़ी लगती है जब गाड़ी एंटर होती थी आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ Sakshi, you have done something in life. The food was awesome. So, if you visit here, unlimited thali zarur try karna. Well, thank you so much for watching and subscribing. See you with next video tomorrow.